इस मॉड्यूल में हम डिटीरियोस्टोम्स के जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटीरियोस्टोम्स प्रोटोस्टोम्स प्रोटोस्टोम्स के बारे में तो अब आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है अब हम डिटीरियोस्टोम्स देखेंगे कि डिटीरियोस्टोम्स क्या होते हैं इनको नॉर्मली हम कहते हैं एंटीरोसिलोमेट्स हम इनको एंटीरोसिलोमेट्स क्यों कहेंगे क्योंकि इनका सिलोम जो है वो एंटीरोली के थ्रू डिवेलप करेगा और इसमें थ्री मेजर क्लैड्स जो हैं वो मौजूद हैं कॉर्डेटा जिसको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं एकाइनोडरमेटा इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल हैं वो है स्टारफिश और सी अर्चन की सी का भी इसके अंदर मौजूद है हेमी हेमिकॉ हेमी का मतलब होता है हाफ यानी इसके अंदर जो नॉर्मली एनिमल्स मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं एकॉर्नबर्म्स वर्म्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट है अब इनमें से बहुत ही कम स्पीशीज़ हमें इस यूनिवर्स के अंदर मिलती हैं इनकी एक सिस्टर क्लैड भी है जिसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया प्रोटोस्टोमिया जो है इससे एक और क्लैड की ओरिजिनेशन भी एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं हो सकती है जिसको हम कहेंगे नेफ्रोजुआ। अब डिटोरियोस्टोम्स के जनरल फीचर्स के बारे में बात कर लें इसके अंदर सबसे पहले जो है वो है ब्लास्टोपोर वो ओपनिंग जो कि गैसट्रोला के बॉटम के ऊपर डेवलप करती है जिसके अंदर फिर अडल्ट स्टेजेस में डेवलपमेंट होगी एनस की और डिटीरियोस्टोम्स में यानी अब इस क्लास में आके हमने ये देखा कि एनिमल्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता माउथ के साथ साथ एनस की डेवलपमेंट भी स्टार्ट होगी यानी डिटीरियोस्टोम्स में माउथ और एनस प्रेजेंट होंगे फिर इनके अंदर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी प्रेजेंट है इनके अंदर जाइगोट जो है उससे ब्लास्टूला बनेगा बलास्टूला के अंदर फिर फर्दर डिवीजन होगी पोलर एक्सिस होंगे और जो पिछले हमने लेक्चर्स में क्लीवेज के बारे में बात की तो इसके अंदर जो क्लीवेज मौजूद होगी उसको हम कहेंगे रेडियल क्लीवेज यहाँ पे आप देखें रेडियल क्लीवेज जो मीजोडर्मल बर्ड्स हैं उन्होंने अपने आप को पॉकेट्स के अंदर अरेंज किया है बिफोर इट हॉलोज आउट टू तो बिकम सिलोम अब दरम्यान में आप देखें यहाँ पर ब्लास्टोपोर ब्लास्टोपोर से एनस की डेवलपमेंट मिजोडम है सिलोम है और डिटेरोस्टोम्स के अंदर माउथ और एनस जो हैं दे आर कम्प्लीटली डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्यूब इज़ क्वाइट वेल डेवलप्ड और यहाँ पे देर इज़ ट्रेंड टुवर्ड्स द एडवांसमेंट इन एनिमल डेवलपमेंट अभी हम बात कर रहे हैं डिटेरोस्टोम्स की तो डिटेरोस्टोम्स के अंदर जो मिज़ोडम है ये नॉर्मली इमेजिनेशनस बनाएगा गट से और फिर इसके अंदर ये जो इस तरह के सिलोम की डेवलपमेंट होगी उसको हम कहेंगे एंटीरसिली और रिटीरियोस्टोम्स अरेंज करेंगे अपने आप को सिलोम के अंदर थ्री कैविटीज़ होगी और इस तरह के सिलोम को हम कहते हैं ट्राइपार्टाइट सिलोम इस फिगर से आप देखें एक्टोडम एंडोडम और इसकी पॉकेट्स से, हैं और सेपरेशन है पाउच की फ्रॉम द गट एंड देन देर इज डिवेलपिंग सिलोम कुछ डिटोरियो स्टोम्स के अंदर एक किडनी शेप्ड लार्वा भी डिवेलप हो जाएगा उस लार्वे को हम कहते हैं डायपल डाइप्लीरूला लार्वा हाउ एवर नो सिंगल काइंड ऑफ लार्वल इज प्रेजेंट एट एनी काइंड ऑफ डिटीरियो स्टोम्स यहाँ पे जनरल फीचर्स में अगर हम देखें डिटीरियो स्टोम्स जिसमें एग्जाम्पल है एक्काइनोडर्म्स कॉर्डेट्स की सेल्स अरेंजमेंट है रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है ब्लास्टोपोर है आर्कन है एंटोसिरस फोल्ड्स ऑफ आर्क जो हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म सीलोम एंड व्हाट इज़ द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर नॉर्मली फॉर्म्स माउथ एनस एनस की डेवलपमेंट जो है दैट इज फ्रॉम द ब्लास्टोपोर सो इन दिस डाइग्राम नॉर्मली वी फिनिश द जनरल फीचर्स ऑफ डिटीरियोस्टोमस